आसिन नगर पालिका बजट बोर्ड की बैठक हुई आयोजित। नगर पालिका परिसर में बजट बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधायक जबर सिंह साखला, आसिन नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल साहू, नगर पालिका उपाध्यक्ष विक्रम सिंह चुंडावत की उपस्थिति रही। अधिशासी अधिकारी पिंटूलाल जाट ने बजट पत्रावली का वाचन किया। बजट बोर्ड की बैठक में कुल 45,94,00,000 के कार्य का बजट पारित किया। वही कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया तथा नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। नवभारत समाचार आसिन भीलवाड़ा से सावरमल शर्मा की रिपोर्ट। मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे नगर पालिका का 45,94,00,000 का वार्षिक बजट बहुमत से पारित किया गया है और इस मीटिंग के अंदर हमारे विभिन्न विकास के मुद्दे पारित रखा गया है और उसको हम विकास के लिए हमेशा तत्पर थे और तत्पर रहेंगे। मीडिया वाले, ये जनता, जमीन से पूरा गांव, पूरा शहर, हमारे सभी पार्षदगण, सभी को पता है कि कौन भ्रष्टाचार कहाँ कर रहा है, कितना कर रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, सबको पता है। हम भ्रष्टाचार की बात बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। हमने प्रत्येक वार्ड के अंदर हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी पार्षदों को पाबंद किया, सभी पार्षदों से निवेदन किया कि वो अपना लेटर पेड लिख के देवे, उसी के आधार पर उसकी क्वालिटी ठेकेदार का पेमेंट किया जाएगा। ये हमारे नगरपालिका क्षेत्र हमने पहली बार किया और हमारे पास पूरे साल में एक भी कोई लिखित हमारे पास कोई किसी की शिकायत नहीं हुई है और ये जो सदन में आके प्रायोजित जिस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं वो निराधार है और ये इनके मन में कोई कुंठावश आरोप लगा रहे हैं। बाकी अगर किसी तरह की कोई है शिकायत तो आप आइए, लिखित में दीजिए, हम जाँच कराएंगे और उसका निराकरण करेंगे। और बाकी ऐसे सदन में आरोप लगाना उचित नहीं है और हमारे साथ विकास के लिए बात कीजिए और हम कोई बिना पक्षपात के पूरे नगर का विकास के लिए हम तत्पर हैं। धन्यवाद। ये जो बजट बैठक रखी गई थी, ये किसी भी वार्ड पार्षद या जनप्रतिनिधि से राय लेके नहीं रखी गई और जो इसमें एजेंडे इन्होंने तय किए, ये इनके मनमाफी के एजेंडे थे और भूमाफियाओं को पनपाने के लिए इन्होंने नगर पालिका की जमीन को नीलाम करने का जो षड्यंत्र रचा था और हमने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, घटिया निर्माण सामग्री के आरोप लगाए, ये जो पत्रावली शुल्क है अभी प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंदर जो 500 रुपये सरकार की तरफ से तय है, ये लोगों से 2600 रुपये वसूल रहे हैं। ऑफलाइन टेंडर का हमने उठाया मुद्दा, क्योंकि 1,00,000 के काम में 5 वार्ड बैठक में मांग कही है, यदि आप भ्रष्टाचार का हमारा आरोप है आप यदि उसको स्वीकारते हैं और उसको खारिज करते हैं तो किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से आप उसकी जाँच करवाएं और अपने निर्माण की गुणवत्ता की जाँच करें। तो इस तरह से हमने काफ़ी आरोप लगाए और जो नगर के लोग पीड़ित हैं नगर पालिका से, एक ही काम के लिए 3-3, 4-4 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। तो आपके चैनल के मार्फत से मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपको नगर पालिका में किसी भी काम के प्रति कोई समस्या आ रही हो तो आप हम लोगों से मिलें, हम आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे। नाम संजय मेवाड़ा, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका से। धन्यवाद। ऐसा है कि नगर पालिका ने जो बोर्ड बैठक आयोजित की है उसमें जो संबंधित वार्ड के पार्षद है उनसे कोई राय शुमारी नहीं ली गई, बल्कि जो एजेंडे में 17 बिंदु उन्होंने जो सम्मिलित किए हैं उनको जो किसी भी वार्ड के पार्षद से नहीं पूछा गया कि आपके वार्ड से संबंधित क्या प्रस्ताव है जो हम उनको लिखे और बोर्ड बैठक के माध्यम से पास करावे। तो हमने जो है इस बैठक का बहिष्कार किया है। और रही बात दूसरी समस्या की, तो वर्तमान में जो भी टेंडर जारी किए उसमें घटिया निर्माण सामग्री थी और संबंधित वार्ड पार्षद की डिमांड नहीं ली गई, सारे टेंडर ऑफलाइन थे और इनकी जो है विभागीय स्तर पर जांच करवाई जावे और प्रशासन शहरों के संघ अभियान राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है उसमें सभी वार्डों में जो लगभग फाइलें लगी हुई है पट्टे की, खास करके इन लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था के चलते कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं उनके वार्डों से संबंधित जो SC ST OBC वर्ग के लोग हैं उनकी फाइलें इन्होंने अटका रखी है और वो अभी लंबित पड़ी है, एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। मेरे वार्ड की अगर मैं बात करूं तो मेरे वार्ड में 100 से अधिक फाइलें हैं जिन पर एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया। ये अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन की मिलीभगत है और अधिशासी अधिकारी का रवैया जो पार्षदों के प्रति अच्छा नहीं है। ये एक सरकारी नौकर नहीं होकर बल्कि किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं जिसका हम विरोध करते हैं, इसीलिए आज हम इस बैठक का बहिष्कार किया है। मेरा नाम राहुल अटवाल, पार्षद वार्ड नंबर 14 नगर पालिका आसी।